Sarvadharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varishthaya Ramakrishnaya Te Namaha. आज को ये सुंदर अवसर पर स्वामी अभेदानंद जी के 150वां जन्मगांठ मनाने के समय पर मैं यहाँ हूँ. आप सब लोग जानते हैं ये आश्रम मेरा ज्वाइनिंग का आश्रम है. 1956 में मैं इसी आश्रम में मेरे सन्यास जीवन का प्रारंभ किया. तब स्वामी रंगनाथानंद जी थे यहाँ और तब से मैं यहाँ के दिल्ली लोगों से परिचित हूँ. करीब करीब हर साल मैं आता रहता हूँ. कितने दूर पर रहने पर भी किसी न किसी कारण से दिल्ली आइए जाता हूँ. पिछले बार भी आया था और स्वामी शांतात्मानंद जी ने मुझे अखंडानंद जी शारदानंद जी के बारे में बोलने को कहा था. हर एक बार जब भी मैं ये डायरेक्ट डिसेबल्स के बारे में बोलता हूँ मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि चेन्नई मठ में हम हर एक जयंती का दिन इन प्रत्यक्ष शिष्यों का जीवन चरित्र का पाठ करते हैं. पाठ माने उनका पाठ आगे करके उनके जीवन के सार को लोगों को बताते हैं. मैं वह काम पिछले 21 साल से वहाँ कर रहा हूँ. अगर मैं वहाँ रहता अभेदान जी के बारे में वहाँ बोलते रहता, अब वही काम यहाँ कर रहा हूँ. ये बड़ी बड़े आनंद की बात है. और शांतात्मा जी ने मेरे काम को अभी सुगम कर दिया है, क्योंकि अभेदानंद जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन भूमिका आपको दे दी है. अब हम वहीं से शुरू करेंगे. स्वामी अभेदानंद जी श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्यों से अर्थात सन्यासी शिष्यों 16 शिष्यों के बीच में यंगर जनरेशन में 2-3 बहुत यंग थे, उनके बीच में ये एक थे. स्वामी विज्ञानानंद जी बहुत यंग थे, अखंडानंद जी भी यंग थे. यंग माने यंगर देन स्वामी विवेकानंद. और ये 3.5 साल यंग थे स्वामी विवेकानंद जी से. इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1866. अक्टूबर 2 को हम सब याद करते हैं, गांधी जी का जन्मदिन. अक्टूबर 2 स्वामी अभेदानंद जी का जन्मदिन है. तो इसको याद करने से डबल आनंद होगा. तो नहीं तो सिर्फ पॉलिटिकल आनंद होगा, अभी स्पिरिचुअल आनंद भी आपको मिलेगा. सो वे उनका जन्म हुआ था एक मंगलवार को. उनके पिताजी का नाम था रसिकलाल चंद्रा और माता जी नयनतारा जी थे. ये नयनतारा जी वो दूसरी वाइफ थी पिताजी की. पहले वाइफ गुजर गई थी, उसके बाद उनका पुनः विवाह हुआ था. इसका नाम रखा गया काली प्रसाद चंद्र. चंद्र टाइटल है तो काली प्रसाद उसका नाम था. तो उस जमाने के जैसे साधारण चीज था, उनके पिताजी के 9 बच्चे थे और ये उनके दूसरे या तीसरे बच्चे थे. इनका बड़ा भाई एक था और ये दूसरे, शायद ये दोनों पहले स्त्री के बच्चे थे. कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ वो योगासन के ढंग में उनका जन्म हुआ. उनको जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनको देखने से ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये योगी के जैसे बैठा है. तो ऐसा मालूम हुआ, इसलिए लोग अचरज हो गए. और उसके साथ साथ इस कारण से भी अचरज हुए कि वो जन्म के बाद बच्चे रोते हैं. तो हम ऐसे ही कहते हैं साधारण लोग. तो वो आते ही वो इस दुनिया में आ गया, मैं अच्छा था दूसरे जगत में, ये कष्टमयी दुनिया में आ गई, इसके लिए बच्चा रोता है, ऐसा हम आमतौर पर बोलते हैं. फिर आजकल डॉक्टर बोलते हैं ऐसा नहीं है, उसको ऑक्सीजन लेना है बाहर से. तभी तक तो माता जी के पेट में बैठा है तो माता जी इसके से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है. अभी बाहर आ गया तो बाहर के ऑक्सीजन को लेने के लिए वो रोता है.
वह अंदर का हवा अंदर जाता है, इसलिए उसका कोई सेंसेशन होता है, इसलिए वो रोता है। इसलिए बच्चा जैसे जन्म होता है आखिर आमतौर पर रोते हैं, तो सबको मालूम होता है ए बच्चा अभी पैदा हुआ है। तो ये जब पैदा हुए वो रोए ही नहीं, सबको बड़ा आश्चर्य हो गया क्या हुआ, सभी बच्चे रोते हैं, रोता हुआ नहीं, इसको तो रोना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चिल्ली पाउडर ले आके उसके आँखों में थोड़ा सा स्पर्श किया, तब कहीं जाके रोया। तो ऐसा एक विचित्र जन्म था ये सबसे ही, ही वॉज लिटल अनकॉमन, असाधारण पुरुष थे। और उसके बाद जब थोड़ा सा बड़े हुए उनको पाठशाला में भिजवाया गया, पाठशाला में वो हमेशा बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, और सबके सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। छोटे उम्र में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत के ऊपर उनका बड़ा अधिकार हो गया चुटपन में ही। कहा जाता है कि वो 10 साल के लड़के थे तभी तो उन्होंने हितोपदेश और कालिदास के कई कृतियाँ और भट्टी के कई कृतियाँ, ये बड़े बड़े कवि हैं संस्कृत के, तो वो सब वो पढ़ चुके थे। और इसी 10 साल में वो जब हाई स्कूल में थे तो वहीं उनके पिताजी वहाँ हाई स्कूल के टीचर थे, उनके स्कूल में वो पढ़ते थे। और वहाँ पढ़ने के वक़्त उनको इच्छा हुई दूसरे दूसरे नौजवानों को देखकर, हम भी थोड़ा व्यायामशाला में जाएंगे, जिमनेशियम। उस ज़माने में हमारे समाज ज़माने में भी करीब करीब 1940 1930 1930-40 में भी कोई नौजवान ऐसा नहीं था जो जिमनेशियम में नहीं गया हो, क्योंकि हमें विवेकानंद जी का और दूसरे दूसरे महापुरुषों का एक आदर्श था। हमें सब लट्ठा कट्ठा खूब शरीर होना चाहिए जिससे हम लड़ाई कर सकें, देश को स्वतंत्रता ला सकें, ये एक ध्येय था। इस लक्ष्य के लिए हम सभी लोग जिमनेशियम में गए थे। उनका ज़माना तो हमारे से ही आगे, तो उस समय में सभी नौजवान बंगाल में और पंजाब में और महाराष्ट्र में दक्षिण में भी सभी व्यायामशाला जाते थे। ये भी व्यायामशाला जाने लगे। व्यायामशाला जाने के समय में वो तो बड़े, जैसे शांतात्मन जी ने कहा है, बहुत वो पढ़ाई लिखाई करते थे। वो चुटपन में भी आउटसाइड दिस सिलेबस बहुत किताब पढ़ते थे। वो हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा, हर्बर्ट स्पेंसर तो बड़े फिलासफर थे, उन्होंने कहीं लिखा, वो उनका लिखना तो ठीक नहीं था, वो वैसे ही उन्होंने लिखा है, कहीं लिखा था उन्होंने, ब्रेन एंड ब्रॉन के नॉट डेवलप टुगेदर, तुम्हारे मांसपेशियों की उन्नति और तुम्हारा मस्तिष्क की उन्नति एक साथ नहीं हो सकती, अगर मस्तिष्क की उन्नति हो तो तुम्हारे मांसपेशियाँ उन्नति नहीं होगी, इतना स्ट्रांग नहीं हो पाओगे, अगर मांसपेशियों के उन्नति हुई तो इतना बुद्धिमान नहीं हो पाओगे। यहाँ कहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है, हमें मालूम नहीं है कहाँ लिखा, उन्होंने ऐसा एक उनका स्टेटमेंट पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा हमें मस्तिष्क की उन्नति चाहिए, मांसपेशी की उन्नति लेके क्या करेंगे, ये तो कभी ना कभी बूढ़ा होना ही पड़ेगा, ये तो मांसपेशी की उन्नति चली जाएगी, तो इसलिए हम मस्तिष्क की उन्नति चाहते हैं, इसलिए छोड़ दिया जिमनेशियम जाना, व्यायामशाला छोड़। तो कैसे देखिए उसके मन की स्थिति, ऐसे एक ऊंची स्थिति है, तब से वो अपने को एक हायर एंड को लेके, आमतौर के असाधारण लोगों के जैसे नहीं दिखते हैं, जीवन के सब चीज़ों को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए वो व्यायामशाला छोड़ के फिर अपने स्टडी, अपने फिलॉसफी पढ़ना और साथ साथ तो अपने दूसरे कर्मों में व्यस्त रहना, इसी में बिताने लगे। और एक बार उन्होंने विल्सन का हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़े, विल्सन तो बड़े अप्रिशिएट करने वाले थे बहुत कुछ हिंदुस्तान के बारे में चीज़ों को, तब उसमें विल्सन ने लिखा है कि ये शंकराचार्य एक बड़े बुद्धिमान थे, बड़े मेधावी थे, तत्वज्ञानी थे, फिलोसोफर थे, साथ ही साथ बड़े संत महापुरुष भी थे। तो ऐसी
शंकराचार्य जी की प्रशंसा को पढ़कर अभेदानंद जी को इतना आनंद हुआ कि मैं भी एक ऐसा संत महापुरुष बनूंगा और ऐसे ही बड़ा एक तत्वज्ञानी बनूंगा, फिलोसफर बनूंगा, शंकराचार्य के जैसे मैं बनूंगा। तब से उनका आइडियल हो गया एक आध्यात्मिक उन्नति, साथ ही साथ बौद्धिक उन्नति। बुद्धि की तरफ से ही मुझे बड़ा इंटेलेक्ट बनूंगा, साथ ही साथ मेरा जीवन में संत महापुरुषों के जैसे मेरा जीवन घटेगा। इसी लक्ष्य से वे अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। किसी दिन उन्होंने देखा कुछ उनके स्कूल में, शायद वो स्कूल बहुत अच्छा था, तो उस स्कूल में पेंटिंग सिखाया जा रहा था। तो ये तो बहुत होनहार लड़के थे, इस होनहार लड़के को देख के वो पेंटिंग टीचर ने, ए तुम क्यों नहीं पेंटिंग सीखो, तो आ जाओ मेरे क्लास में, तुम्हें बहुत अच्छा पेंटर बना दूंगा मैं, ऐसा उनको बुलाया। तो ये सब जो कुछ सीखना है वे हमेशा तैयार रहते थे। ये सीखने की इच्छा जिसके अंदर होती है वो सबको पसंद करते हैं। जो कहते हैं कि ये मुश्किल, ये मुश्किल, वो मुश्किल, माने उसको सीखने की इच्छा कम है। इच्छा जब हो जाएगी उस सीखने की इच्छा की कोई सीमा नहीं है, वो सब तरफ में उनकी इच्छा होती है, सब कुछ वो सीख भी सकते हैं। तो इन्होंने जैसा सुना कि ये पेंटिंग बहुत अच्छा है, चलो हम इससे सीखेंगे, जाके अच्छी तरह पेंटिंग करना सीखने लगे। जब थोड़ी सी तरक्की हो रही है तब उनका कोई एक दिन ऐसा विचार आया, अरे ये पेंटिंग वाले अर्थात आर्टिस्ट, चित्रकला जो प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग तो बाहर के रूप को देखते हैं, अंदर के रूप का ज्ञान नहीं इनका, वही ठीक है। तो चित्रकला जो चित्र लिखते हैं, खास करके मनुष्यों की चित्रों को लिखते हैं, वो मनुष्य के बाहर को देखते हैं, मनुष्य के अंदर के चित्र कैसा करेंगे, करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके चित्रण करने में ही भारतीय चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय चित्रकला को समझना हो तो भारतीय चित्रकला का ध्येय है, लक्ष्य है अंदर के मनुष्य को चित्रण करना। इसलिए भारतीय चित्रकला प्राकृतिक चित्रकला में ज़्यादा, उसकी दृष्टि से देखने से भारतीय चित्रकला को समझना मुश्किल है। ये आइडियलिस्टिक है, एक आइडियल को एक बाहर के रूप से दिखाते हैं। ये सिस्टर निवेदिता और नंदलाल बोस और असित थलदार, वेंकटप्पा, ये सब बड़े बड़े इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट, ये लोग इसके लिए चेष्टा करी है। तो भाई इंडियन स्कूल आर्ट का एक विशेषता है, तो इन्होंने उस छुपन में ही उनको समझ में आ गया ये चित्रकला के लोग, चित्रकार बाहर के रूप को देखता है, अंदर के रूप को ये नहीं देखता है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, हम अंदर के मनुष्य को समझना चाहते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो उस पेंटिंग टीचर को बहुत दुखित हुए वे, अरे बहुत अच्छा लड़का था, अगर इसको पेंटर बनाता मैं, मेरा नाम अच्छा हो जाता, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। माने इनका मन इतना गंभीर था, ये साधारण चीज़ों को नहीं लेते थे, वो कुछ हायर चीज़ें हर वक्त उसकी ढूंढ में थे। वे जब 14 साल के थे सब उन्होंने उनकी इच्छा हुई भगवद गीता पढ़े। 14 साल, आजकल 14 साल में शायद हमारे बच्चे सेकेंडरी क्लास में रहेंगे, क्लास 10 में रहेंगे, क्लास 10 में अपने स्कूल के बच्चे किताब पढ़ने के लिए भी उनके समय नहीं है, भगवद गीता की बात करने तो भाग ही जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में वो स्टूडेंट तो थे ही, साथ ही साथ वो उनके इतने दूसरे अच्छे अच्छे काम करते थे, अच्छे अच्छे विचार का आहरण करते थे, साथ ही साथ उनकी इच्छा हुई भगवद गीता पढ़ें। कहाँ से भगवद गीता मिले, आजकल तो आपको जहाँ देखने से वहाँ मिल जाएगा, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और करीब करीब फ्री ही मिलता है आपको भगवद गीता, फिर उस समय में वैसा नहीं था, किताब बहुत विरल से मिलते थे। फिर उनको पिताजी के लाइब्रेरी में एक भगवद गीता मिली, तो इस भगवद गीता को देखे वो उठा के पढ़ने लगे। पिताजी ने देखा, पिताजी उसको देखते ही वो डर गए, ये क्या है, अभी तो 14 साल का है, अभी
अभी भगवद गीता पढ़ेगा, उसके बाद बोलेगा महापुरुष के पास जाऊंगा कहेगा, उसके बाद सन्यासी बनूंगा कहेगा, आखिर में घर को छोड़ के चला जाएगा, अभी इसको बंद करो। ऐसा उनकी विचारधारा। उन्होंने क्या किया, वो किताब को अपने कोई अलमारी की एक कोने में छिपा कर रख दिया। फिर ये बच्चा 14 साल का उसको देख लिया, वो कहीं छिपा के रखा है, ठीक है हमको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पिताजी से नींद लेने को चले गए रात में, रात 12 बजे उठ के उनके लाइब्रेरी में घुसकर उस किताब को ढूंढ के निकाला। रात 12 बजे से शायद ये 1-2-3 पर 3 तक उसको पढ़ के फिर उसको उसी जगह में रख के सो जाते। ऐसा करके भी उन्होंने भगवद गीता का पाठ किया। माने देखिए उनकी कितनी दिलचस्पी, कितनी रुचि ये आध्यात्मिक विषय में, इसको हम देखते हैं। और इसी तरह वो भगवद गीता में क्या कहता, जो कहा गया है योग के बारे में भी कहा गया है, भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, योग शास्त्र है। तो भगवान श्री राम कृष्ण, श्री कृष्ण उसमें चारों योग की वर्णना करते हैं। ये चार योग के अंदर ही सारे दुनिया के जितने धर्म हैं ये चार योग के अंदर आ जाते हैं, ये स्वामी विवेकानंद ने बार बार हमें बताया है। जो जितने धर्म हैं, सो वो हिंदू, वो हिंदुस्तान के धर्म हो, हिंदुस्तान के बाहर के धर्म हो, सभी धर्म इन चार योगों के बीच में पड़ जाता है। वो एक एक के कुछ कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, तब वो धर्म का मूल हमें मिल जाता है। ऐसे योग शास्त्र है भगवद गीता। तो उसको पढ़ते पढ़ते उनको योग सीखने के लिए बड़ी इच्छा होगी। योग माने मन को भगवान से मिलाना, भगवान से केंद्रित करना, न भगवान से ही तो विलय कर देना, इसको योग कहते हैं। उनकी बड़ी इच्छा हुई, हम योग सीखना चाहते हैं आचरण रूप से, इन अ प्रैक्टिकल वे, कैसा हम मन को एकत्रित करके केंद्रित करके भगवान को पाया जा सकता है, इसको हम सीखना चाहते हैं। तो इससे वो कोई एक गुरु की तलाश में निकले, जिसको देखते कोई बड़ा पंडित लेक्चर दे रहा है उसके पास जाके पूछते, क्या महाराज आप हमको योग सिखा सकते हैं। इसी तरह करते करते उस जमाने के बहुत बड़े पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि, शशधर तो बहुत बड़े पंडित भी थे, वे उस जमाने के करीब करीब कुछ कम उम्र वाले तत्वज्ञानी थे, फिलोसोफर थे, हिंदू शास्त्र को बहुत गहराई से पढ़े थे। तो उनके भाषण सुनने के लिए नरेंद्र और राखाल आदि श्री राम कृष्ण देव के आगे शिष्य होने वाले ये नौजवान जाते थे, बहुत प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर थे। शशधर तक तो चूड़ा चूड़ामणि को भगवान श्री राम कृष्ण ने भी 2 बार दर्शन किए। एक बार श्री राम कृष्ण ही गए उनको देखने के लिए, उसके बाद 2-3 बार वो शशधर तर्क चूड़ामणि श्री राम कृष्ण को देखने के लिए आए। तो ये बड़े प्रसिद्ध लेक्चर देने वाले लेक्चरर ऑन शास्त्र, तो इस शास्त्र को जैसे उन्होंने सुना काली प्रसाद ने, उनको बड़ी इच्छा होगी, ओ शशधर तर्क चूड़ामणि को हम योगा गुरु बना लेंगे। उनके पास जाके बोलने लगे, महाराज हमको हम योग सीखना चाहते हैं, आप हमें योग सिखाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं कैसा सीखा, मैं तो ऐसा ही पंडित हूँ, मैं योग का गुरु नहीं बन सकता। मेरे गुरु हैं जो योग के गुरु हो बन सकते हैं, वो हैं कालीबोर वेदांत वागीश। तो और बुढ़े थे वे, करीब 70 साल के ऊपर थे, फिर वे बड़े योगी हैं, उनसे ही तो हमने जो कुछ योग के बारे में सीखा उन्होंने मुझे सिखाया, उनके पास जाओ, उनके पास जाने से वो ठीक योग भी सिखाएंगे। फिर ये छोटा लड़का 14 साल का लड़का छोड़ता नहीं, उस कालीवर वागीश के पास गए, वेदांत वागीश के पास। उन्होंने कहा, अरे बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम इतने छोटे उम्र में आई, तुमको सिखाऊँ, फिर मेरे पास समय ही नहीं, सवेरे से शाम तक मुझे शास्त्र पाठ करना पड़ते, दूसरे दूसरे शिष्य आते हैं, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वेदांत वागीश माने उच्चतर वेदांत के विद्वान हैं, वेदांत के बारे में सुनने के लिए सीखने के लिए बहुत लोग आते हैं, मेरा सवेरे से शाम तक तो मेरा सब आइटनरी बांधा हुआ है।
तुम्हारे लिए कहाँ समय निकालूँ, फिर एक काम करो, मुझे एक समय मिलता है थोड़ा सा, वो है मैं जब स्नान करता हूँ तब शरीर में तो तेल लगा के मालिश करके मैं स्नान करता हूँ, तुम मालिश कर दो हमको। तो मालिश कर करके 10-15 मिनट लगेगा, 15 मिनट तुम मालिश करते रहो, हम तुमको योग सिखाते रहेंगे, तुम योग का पूरा तुमको दिन थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके तुम सीख लो, इसके लिए राजी होता हमारे पास आओ। हाँ मैं राजी हूँ, रोज जाके इस कालीवर वेदांत वागीश के मालिश करते थे और उनसे योग सुनते थे, इतनी दिलचस्पी रुचि। तो ये चल रहा है, ये चलने के बाद ही तो जो शांतात्मा जी ने कहा, उनका एक दोस्त यज्ञेश्वर, उसने कहा अरे ये कालीवर के पास जाके क्यों ऐसा लटके हुए हो, उसके पास से ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा, एक योगी की बात सुनाई जा रही है, वे है तो दक्षिणेश्वर में हैं परमहंस, वे बिल्कुल अच्छे योग के सिद्ध हैं, उनके पास जाओ तो वे अच्छी तरह सिखाएंगे, चलो एक दिन हम जाएंगे। तो इसका उत्साह इतना हो गया, वे योगीश्वर से सिर्फ मिल के चलो हम दोनों जाएंगे ऐसा बोलने को भी तो इसका समय नहीं है, वो खुद अकेला निकल पड़ा, एक दिन निकल के वो दक्षिणेश्वर के योगी से हम मिलेंगे। फिर दक्षिणेश्वर कहाँ है, कितने दूरी पर है वो भी मालूम नहीं है, वो सिर्फ जानते थे कलकत्ता के उत्तर की तरफ है, 7-8 मील के ऊपर, चलने से मिल जाएगा। फिर आज का जो दक्षिणेश्वर हम देखते हैं मेन रोड से आपको दिखता है, दूर से ही काली का मंदिर दिखता है, और वो जंगल वंगल चला गया है अभी, इसलिए दूर से ही आपको मालूम हो जाता है कि दक्षिणेश्वर यहाँ है। उस ज़माने में वैसा ही था, बिल्कुल घना जंगल था चारों तरफ, इसलिए ये लोग ये नौजवान जा रहा है, जाते जाते देखता है सब जगह पेड़ हैं जंगल हैं, तो दक्षिणेश्वर नहीं आया, करते 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 तो 8 मील पार करके 9वां मील 10वां मील में चला गया, तब कहीं से पूछा ये दक्षिणेश्वर कहाँ चला गया है कि अभी आने वाला है, कहाँ है ये बताइए। उन्होंने कहा अरे तुम छोड़ के आ गए ना, 1-2 मील उसको छोड़ के आगे आ गए हो, वापस जाओ, दो किलोमीटर या 2 मील पीछे जाओ, तब तुम्हारे दाहिनी तरफ पड़ेगा, तब तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा, तब दक्षिणेश्वर मिलेगा। फिर वापस आए, छोटा बच्चा है 14 साल का 15 साल का, तो ये बेचारे की इतनी शक्ति के सवेरे सवेरे निकल पड़ा है, शायद सिर्फ चाय पी के निकला हो, खाना पीना ही नहीं है, 12 बज गया है तो भूख और प्यास लगी है, इसने थकावट के बीच ये रास्ता गुम होके आगे चले गए, फिर फजूल फिर वापस आना पड़ा और जाके इस बार दक्षिणेश्वर के अंदर घुसे। उसी के बारे में शांतात्मा जी ने कहा, वो जब आए उनका मन इतना खराब हो गया, आज को तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम परमहंस जी मिल जाने से आनंद हो जाएगा। जब आके तलाश करते हैं तब वहाँ एक नौजवान है, उससे पूछते हैं तो परमहंस जी को मैं मिलना चाहते हैं, अरे तुम परमहंस जी क्या मिलेगा, वो तो कलकत्ते चले गए। अरे कलकत्ते चले गए, मैं कलकत्ते से उनको ढूंढ के यहाँ आया, वो कलकत्ते में चले गए, अब क्या किया जाए, चलो उसकी तो भूख प्यास तो लगी है, तो और पैसा हाथ में कोई पैसा नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी में उठ के जाएंगे, गाड़ी में नहीं है कि घोड़े की गाड़ी थी, उसके लिए पैसा देने थे गाड़ी में जा सकते थे, उनके पास पैसा भी नहीं था, तो फिर भी उन्होंने सोचा फिर किसी तरह चले जाएंगे हम। तब तो जो शांतात्मा जी ने कहा, वो नौजवान दूसरा जो था वो भी आगे जाके भगवान श्री राम कृष्ण के शिष्य बनने वाला शशि था, शशिभूषण चक्रवर्ती, बहुत प्रसिद्ध शिष्य हो गए, वो शशिभूषण चक्रवर्ती नहीं पहले पहल रामकृष्ण मठ मिशन की शाखा दक्षिण में खोले, और चेन्नई का मठ जहाँ मैं हूँ, तो ये शशिभूषण चक्रवर्ती वो यंग मैन वहाँ है, ठीक यंग मैन इस यंग मैन से मिला, तो उससे कहा अरे रे अभी कहाँ जाओगे, तुम गंगा में स्नान करके आओ या काली मंदिर में प्रसाद मिलता है, प्रसाद खा के इंतज़ार करो, वो ज़रूर रात में आ जाएंगे, रात कहीं बाहर नहीं बिताते, परमहंस जहाँ भी रहें रात को आएंगे ही आएंगे, तुम उनसे मिल के जाओ। ये नौजवान कहते हैं अरे मैं घर में तो नहीं बताया, बगैर बताए मैं आ गया हूँ, तो वो बहुत व्यस्त हो जाएंगे,
मुझे बगैर देखे तो मुझे ढूंढने लगेंगे, इसलिए मुझे जाना ही है। अरे रे मचाना, ऐसे कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका एक महात्मा से मिलना फिर कभी मिलेगा तुम्हारे जीवन में, पता नहीं है, अभी ये रहेंगे यहाँ रह जाओ। वो बोलता अरे मैंने तो बगैर बताया आ गया हूँ। शशि ने कहा हमने भी तो बगैर बताया आया तो हम दर्द मिल गए दोनों, तो मैंने भी बगैर बताए पिताजी माता जी को आया, तुमने भी आया। चलो नौजवानों की ऐसी ही तो दोस्ती होती है, हम सोचते हैं कि दोनों के बीच में बहुत मिल है, मिल कुछ नहीं है, वो भी आपने पिताजी माताजी को नहीं बताया, ये भी नहीं, वही दोस्ती का कारण है। दोनों दोस्त बन गए, तब बातें करते करते शायद श्री रामकृष्ण के बारे में भी बातें करने लगे। बातें करते करते रात हो गया, रात जैसे शशि ने बताया था ठीक श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी आई, घोड़े की गाड़ी, श्री रामकृष्ण उतरे। उतरते ही उनसे मुलाकात हुई। इसको इतना व्यस्त था अपने योग के बारे में, सीधा श्री रामकृष्ण घोड़े की गाड़ी से उतर के अपने कमरे में जा रहे हैं, रास्ते में ही उनके पास जाके महाराज आप हमको योग सिखा सकेंगे? कोई साधारण बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, यह असाधारण बच्चा है। तो ये इसको सुनते ही श्री रामकृष्ण विरक्त नहीं हुए, तो उनको आनंद हुआ। तो उसको क्यों नहीं, तुम तो पूर्व जन्म में तुम योगी ही था, थोड़ी सी बाकी थी उसको पूर्ण करने के लिए, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, यही तुम्हारा आखिरी जन्म है, मैं सिखाऊंगा। फिर अब नहीं, अब बहुत देर हो गया है रात में, सवेरे सवेरे तड़के 3:30 बजे आओ तब सिखाऊंगा। फिर सारे रात वो नींद ही नहीं आई उसको, 3:30 बजे के लिए इंतज़ार करते करते वो नींद ही नहीं ली, ऐसे ही जागे ही रहा। 3:30 जैसे ही बजने लगा सवेरे सवेरे, काली प्रसाद आके उपस्थित श्री रामकृष्ण के पास, श्री रामकृष्ण इस लड़के को, इस नौजवान को अपने कमरे के उत्तर के वरांडा में जाके उसको एक आसन पर बिठाई और योग के आसन में उसको बिठाकर उसको दीक्षा दी, वो तो योग में दीक्षा दी। तो वो नॉर्दर्न वरांडा, वो उत्तर की वरांडा प्रसिद्ध जगह है जहाँ उन्होंने पहले नरेंद्र का भी दर्शन वहीं किया था। नरेंद्र को अपने कमरे में से उत्तर के वरांडा में ले गई, तब उससे भगवान श्री रामकृष्ण कहने लगे तुम नारायण के अवतार हो, तुम दुनिया के कल्याण करने के लिए आए हो, तुम वही साक्षात परमात्मा हमारे लिए देह धारण करके आए हो, ऐसा वैसा करने लगे। वैसी उत्तर की वरांडा है, वो उत्तर की वरांडा में इसको भी ले गई, वहाँ बिठा के उसको योग का अभ्यास शुरू कराया। जैसे ही उनको पहले योग का अभ्यास दिया और उनकी छाती को स्पर्श करके उनको उपदेश दिया, वो गहरे समाधि में चलेगी। कई घंटा उसके अंदर रहे, कुछ बहुत देर तक उसके अंदर रहे, तब श्री रामकृष्ण उसको फिर वहाँ से नीचे उतारा और उससे कहा तुम ऐसे ध्यान सवेरे और शाम दो जून करना, घर में जाने पर भी रोज सवेरे शाम को ध्यान करते रहो, सवेरे शाम, ऐसा कहने लगे। और वो घर में जाने पर भी ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहा। देन एक ऐसा दिन हुआ, श्री रामकृष्ण के इस उपदेश को साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव ने उसको कहा, देखो तुम क्या ऐसे अभी तुम योग का अभ्यास कर रहे हो, बहुत से दिव्य दर्शन होंगे, कि आज क्या क्या दर्शन होता है उसको याद रखना, मुझे आके बताना। तो ये पहले दिन से ही उसको दर्शन होने लगे, तो योगी थे ना, आगे ही तो सिद्ध पुरुष थे, थोड़ी सी बाकी थी इसलिए उनका जन्म हुआ है। वो पहले दिन से उसको विजन होने लगे, दिव्य दर्शन होने लगे। उन्होंने सो उसको सब मन में स्मरण रखते हुए श्री रामकृष्ण के पास कहने लगे। एक दिन आके कहते हैं श्री रामकृष्ण से, महाराज कल को मैंने हमारे ध्यान में हमने देखा भगवान श्री रामकृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को देखा और यीशु क्रिस्त को देखा और चैतन्य महाप्रभु को देखा और आखिर में देखा ये तीनों जाके आपके रूप में विलीन हो गए, इसको भी देखा, चैतन्य को देखा, क्रिस्त को देखा, कृष्ण को देखा,
ये तीनों जाके आपके रूप में, श्री राम कृष्ण के रूप में आपके अंदर विलीन हो गए। इसको भी हमने देखा, श्री राम कृष्ण बड़े खुश हुए, तुमने ठीक देखा है, तो तुमने वैकुंठ का दर्शन किया है, ऐसा कहा। वैकुंठ का दर्शन किया है, वैकुंठ माने भगवान नारायण का धाम है, तो जिसको हम परम धाम कहते हैं, तो परम धाम को वैकुंठ कहते हैं। तुमने वैकुंठ का दर्शन किया, इसलिए सभी बड़े बड़े महापुरुषों के अवतारों का दर्शन हो गया और उनका मुझ में विलीन होते हुए भी देखा है। अभी इतना ही तो इसके बाद तुम रूप के दर्शन तुम्हारे नहीं होंगे, तुम अरूप निराकार का दर्शन तुम्हारा होगा, ऐसा बोल दिया ये श्री रामकृष्ण। उसके बाद वो निराकार के बारे में ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वो एक दिन उनको ऐसा लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण अवतार पुरुष हैं, वही परम ब्रह्म इस युग में श्री राम कृष्ण के रूप में आया है, तो इसका उनका अनुभव हुआ। और एक दिन श्री राम कृष्ण के साथ वे रह रहे हैं, तब जिसे आगे बताया था शशधर तर्क चूड़ामणि, वो भी आए थे श्री राम कृष्ण से मिलने के लिए। श्री राम कृष्ण उनको उपदेश देते हुए श्री राम कृष्ण देव ने कहा, देखो, और बोलते बोलते उनसे श्री राम कृष्ण को भाव समाधि होगी। भाव समाधि माने अत्यंत एक दिव्य भाव हो गया, वो बैठे हुए खड़े हो गए, खड़े होके भगवान का नाम बोलते बोलते नाचने लगे, नाचते नाचते ऐसे ही समाधिस्थ होके खड़े हो गए। और उसके बाद नीचे आके वो बोलने लगे, देखो ये जो है ये भजन आनंद है, भजन में इतना आनंद है, सो टिक टिक हम भजन करने से भगवान तो ऐसे हमें आनंद देते हैं जो साधारण जिसको बड़ा आनंद कहते हैं, इसको ये विषयानंद ये कुछ भी नहीं उसके सामने। ये भजनानंद मिल जाने से लोग ये विषयानंद में ज़्यादा आसक्त नहीं होंगे। तो ये कहते कहते उन्होंने सुना, ये भजनानंद विषयानंद से ऊंचा है, और भजनानंद से ऊंचा क्या है, ब्रह्मानंद है। तीनों किस्म का आनंद हमारे देश में प्रचलित है, तो इसको हमारे आचार्य लोग बताए हुए हैं। हमारे देश में लोग आनंद से हैं, वो बचपन में भी आनंद में रहते हैं क्योंकि तब विषय आनंद मिलता है उनको, खेलने में, धूलने में, खाने में, पीने में, तो इंद्रिय स्ट्रांग रहता है, तब सबका भोग करते हैं, तो विषय आनंद भी करते हैं। फिर हमेशा विषय आनंद में भोग लेते नहीं रहते, थोड़ा से बड़ा हुआ, अरे विषय आनंद क्या ना कर भजनानंद करेंगे, उसके बाद भजन में, कीर्तन में, आर्क में, ऐसे हायर परसूट में चले जाते हैं, तो वो भजनानंद के अंदर आ जाता है। और भजनानंद में बात करते 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 मन की शुद्धि होती है, आखिर में प्रभु की कृपा से उनको भगवान का ही आनंद मिल जाता है, दिव्यानंद, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद को बहुत लोग प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण के कई भक्त, सन्यासी भक्त और गृहस्थ भक्त, दोनों को ये दिव्यानंद ब्रह्मानंद मिला था। तो ये तीनों किस्म का आनंद हमारे देश में सबको मालूम है, इसीलिए हमारे देश के लोग जैसे आनंद में हैं रहते हैं, सारे जीवन में आनंद में रहते हैं, छुटपन में विषय आनंद में रहते हैं, उसके बाद भजनानंद में आनंद लेते हैं, उसके बाद दिव्यानंद में, ब्रह्मानंद में आनंद से रहते हैं। तो इसी को हमारे आचार्यों ने बहुत बार कहा है, खास करके पाश्चात्य देशों में स्वामी रंगनाथानंद जी इसको सब लोगों को बताते थे, अरे देखो तुम्हारे देश में तो जो वयस्क लोग, ये तो बुढ़ापे में जो हैं, तो उनके लिए तुम लोग इतना ओल्ड एज होम बनाए हुए हो, इसके अंदर इतनी सहूलियतें दिए हुए हो, फिर भी तुम्हारे बूढ़े लोग आनंद में नहीं हैं, हमारे देश में इतनी सहूलियतें नहीं हैं, फिर हमारे देश में वयस्क लोग बड़े आनंद से हैं। इसका कारण है क्योंकि वो जानते हैं, ये ब्रह्मानंद के बारे में जानते हैं, ब्रह्मानंद का रास्ता ये भजनानंद जानते हैं, वो भजन में उनका आनंद होता है, तो उसके लिए उम्र का कोई असर नहीं पड़ता है। जितना आप बूढ़े होंगे उतना ज़्यादा आपको भजन में आनंद आता है, भजन का आनंद मिलता मिलता किसी दिन आपको ब्रह्मानंद भी मिल जाता है। तो इसलिए हमारे देश के बूढ़े लोग आप लोगों के बूढ़े लोगों से ज़्यादा आनंद से हैं, उनका वो लेक्चर बहुत प्रसिद्ध है, हमने भी उसको प्रकाशित किया है मद्रास मठ से,
हाउ यू कैन बी हैप्पी व्हेन यू आर ओल्ड, वो किताब यहाँ भी मिल सकता है आपको, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दूसरे दूसरे भाषा में भी है. बहुत सुंदर लेक्चर. ये विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, तो श्री राम कृष्ण उसके वर्णना करते रहे. तो उसको उसने सुना, शायद उसको उन्होंने बहुत प्रचार किया हो पाश्चात्य देश में बाद में. और उनको और एक दिन ऐसा ही मालूम हुआ, श्री राम कृष्ण अंतर्यामी हैं, सबके अंदर प्रवेश किए हुए वो परमात्मा हैं. ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा भगवद गीता कहती है. तो वही अंतर्यामी है, तो श्री राम कृष्ण ही वे अंतर्यामी परमात्मा हैं, ऐसा उनको अनुभव हुआ. ये कैसा हुआ, वो घटना ऐसी है, श्री राम कृष्ण को किसी ने कहा, उनका तो कुछ गले में कुछ तकलीफ हुई थी, तो इस तकलीफ के लिए वो कुछ औषध ढूंढ रहे थे. किसी ने कहा, ये गंगा के उस पार में कलकत्ते की तरफ में एक वैद्य है, वो अच्छा दवाई दे सकता है. तब श्री राम कृष्ण बड़े उत्सुक हो गए, चलो उस वैद्य के पास जाएंगे हम. अगर वैद्य को बोलने से वही आ सकते थे, कई कलकत्ता के वैद्य उनके पास आते थे, वो इतने व्यग्र हो गए, नहीं हम भी जाए, हम ही जाएंगे. तो श्री राम कृष्ण के साथ गोलाप में गई, शायद लाटू गए और काली प्रसाद भी गया, जो तीनों गए और एक दो और एक दो थे, सभी जाके वो वैद्य के पास ले गए श्री राम कृष्ण को. वैद्य ने कोई दवाई दी, लेके वापस आए और बोट में, तो जहाज में बोट में उठना है. इस उठने के आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे हमें बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाना है, ले आओ कुछ मिठाई मिलने से, हलवाई की दुकान से ले आओ. तब काली प्रसन्न वहाँ से दौड़ा नज़दीक वाला एक हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद ली, एक पुटली में ले आके, शायद काफ़ी परिमाण का, उसको ले आके श्री राम कृष्ण के हाथ में दिया. सब ये तीन चार लोग भी, वे भी तो भूखे हैं, सवेरे सवेरे चले गए हैं ना, उस जमाने में तो कोई बेटी तो कोई नहीं था, वो ऐसे ही गए होंगे खाली पेट में. तो वहाँ जाके सबों की भूख लगी है, सब सोच रहे थे कि श्री राम कृष्ण कुछ खा जाएंगे और उनके प्रसाद के रूप से कुछ मिल जाएगा हमें भी. सब बोट में उठ गए, बोट चलने लगा तो दक्षिणेश्वर की तरफ आ रहा है. बीच बोट में श्री राम कृष्ण एक दो तीन चार पूरे मिठाई खा के पूरा ही खाली कर दी, वो पुटली पूरी खाली होगी. उसके बाद वो पुटली के कागज़ को भी फेंक दिया गंगा में, और गंगा का पानी अंजलि से उठा के पीने लगे. पानी पी के आनंद से बैठे. सब इन लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे हम भी तो भूखे हैं, तो हमको कुछ भी नहीं दिया एक टुकड़ा भी, तो वे सब खुद खा गए. ऐसे ही जब सोचने लगे, तब सोचते हैं सब अंदर से ढकेर निकलता है, जैसे मानो इनका पेट भर गया है, उन्होंने खाया है और कुछ खाने का भी जगह ही नहीं है, तो ऐसा अंदर से ढकेर निकलता है और सब लोगों के भूख प्यास सब मिट गई. तब बोलते हैं स्वामी अभेदानंद जी, खाली प्रसाद मुझे उस दिन मालूम हुआ, परमात्मा तृप्त हो जाने से सारी जगत तृप्त हो जाते हैं. जैसे पेड़ के जड़ पर हम पानी देते हैं, सारा पेड़ में पानी जाता है, तो आपको पत्ते पत्ते में जाके पानी देने की ज़रूरत नहीं, जड़ में पानी दीजिए सारे पेड़ को मिल जाता है. तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणीते प्रीणीतम जगत, वो भगवान की तृप्ति करो सारी दुनिया तृप्त हो जाएगी. इस वाक्य को उन्होंने उस दिन समझा, ये अंतर्यामी है, भगवान जब तृप्त हो गए सारे जितने लोग तीन चार लोग थे इनकी भूख प्यास हैं वही मिट गई. ये बहुत बड़ा अनुभव था उनका. और श्री राम कृष्ण आनंद से, उनको मालूम है ये ऐसा होगा, इन लोगों का ज्ञान भी होगा, भूख भी नहीं सिर्फ नहीं मिटेगी, उनका ज्ञान भी होगा कि हम अंतर्यामी हैं. इसी वे हंसते हंसते पूरा जहाज में बैठ के इस तरफ आए. उस दिन का वही घटना समाप्त होती है. और एक दिन वो श्याम पुकुर वहाँ कलकत्ते में श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर से अपने इलाज करने के लिए कलकत्ते में आ गए. वहाँ श्याम पुकुर एक जगह है, वहाँ एक बंगले में रहने लगे. तब वे एक दिन बोलते हैं काली प्रसन्न को, देखो मैं यहाँ हूँ ना, मेरा ये बीमारी हुई है ना, इसका एक कारण है, ये कारण है दूसरों के कष्ट को मैंने अपने ऊपर ले लिया, दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लिया,
वे आनंद से हैं, उनके पाप के लिए मैं इसके लिए भुगत रहा हूँ। तब काली प्रसाद को मालूम हुआ, वो तो बाइबल पढ़े हुए थे, बाइबल में वही खेरियस अटोनमेंट, जीशु ने इतना कष्ट पाया, किस लिए इतना कष्ट पाया, सूली में उसको चढ़ाया गया। सूली में क्यों चढ़ाए गए, वो सारे जगत के पापियों का पाप उन्होंने ले लिया, उनके लिए उन्होंने सफ़र किया। इसको वाइकेरियस अटोनमेंट ऐसा बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, ये भी वाइकेरियस अटोनमेंट है। दूसरों के पाप को मैं ले लेता हूँ, वे आनंद से आनंद रत रह रहे हैं और उनके लिए मैं भुगत रहा हूँ, उन्होंने एक दिन कहा। इसके बीच में काली प्रसाद के पिताजी आए दक्षिणेश्वर में, ये काली प्रसाद दक्षिणेश्वर में रहने लगा और ये पढ़ना लिखना छोड़ दिया। तो पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या है, पढ़ना लिखना छोड़ के वो महापुरुष के पास रह गए। आके श्री रामकृष्ण से उन्होंने विनती की, ये लड़के को आप घर में भेजिए ना। तो श्री रामकृष्ण क्या बोलेंगे, और आगे बढ़ते उनके पिताजी बोलते हैं इसको शादी करने के लिए बोलिए ना। तो श्री रामकृष्ण टैक्टफुली उन्होंने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, चुप करके रह गए, क्योंकि वो जानते हैं योगी बनेगा या सन्यासी बनेगा, विश्व प्रसिद्ध अभेदानंद बनेगा। तो उस दिन उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। और एक दिन कोई भगत श्री रामकृष्ण के पास में 12 गेरुए कपड़े लाए, गेरुए में रंगा हुआ कपड़ा ले आके उनके हाथ में दिया, 12 पीसेस। तो चारे 12 टुकड़ों को देखे, स्वामी जी महाशय इसको कोई अच्छे अधिकारियों को आप दीजिए। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे ये नौजवान यहाँ आ रहे हैं, ये नरेन राकाल, ये काली प्रसाद, इनसे बड़ा साधु कहाँ मिलेगा तुम्हें, चलो इनको ही देंगे। तो उनमें 12 गेरुए कपड़े को उनके बीच में तो वितरण कर दिया, ये कपड़े को इस काली प्रसन्न को भी दिया। तो ये सब उस कपड़े को पहन के ये सब बच्चों को श्री रामकृष्ण ने कहा, जाओ अब तो तुम सन्यासी बन गए, भिक्षा लेने को जाओ, जाके तो भिक्षा मांग के ले आओ। ये उनमें से 4 काली प्रसन्न और उसके साथ और 3 नौजवान, ये चारों सीधा भिक्षा लेने के लिए किसके पास गए, होली मदर के पास चले गए। होली मदर श्री रामकृष्ण पहले मंजिल में सोए हुए, नीचे में होली मदर उनके लिए खाना वाना पकाती थी और ऊपर जाके उनको खिलाती थी। उनके कमरे में चले के बहुत ही भिक्षा दे ऐसा वहाँ खड़े हुई। तो माँ को मालूम हुआ, तो इनको श्री राम कृष्ण देव ने सन्यासी का कपड़ा दिया है, वो भिक्षा के लिए भेजा है, चलो इनको ठीक भिक्षा देंगे। उन्होंने पूरा 1 रुपया ले आके इनकी झोली में डाल दी। तो ये आखिरी तक इसका स्मरण करते थे, 1 रुपया माने 16 आना, अब तो आना नहीं रहा, पैसा हो गया, उस समय 16 आना, 16 माने भगवान को कहते हैं 16 अंश वाले, तो षोडशांश महापुरुष भगवान को ही उनका 16 अंश होते हैं, 16 अंश होते हैं, मैंने 16 किस्म के महत्ता उनकी है। तो भगवान को ही वो प्रतिनिधित्व करता है 1 रुपया। होली मदर ने पूरा 1 रुपया उनको अर्थात ब्रह्मज्ञान को ही दे दिया ऐसा। तो उसको पाके वे आनंद से चले जाते हैं, ऐसे उनका संन्यास जीवन उसी दिन शुरू होता है। और शिवरात्रि आती है उसी समय में 1886। तो तब नरेंद्र और काली प्रसाद पास पास में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तब नरेंद्र को जानते ही आप, इतने ऊंचे योगी थे, श्री राम कृष्ण के पास वो जब आते हैं तभी श्री राम कृष्ण उसको देख के कहते हैं, माँ माँ इसके ऊपर एक पर्दा डाल दो, ये ऐसा है, ऐसा खुला हुआ तरवाल के जैसे, इसका ब्रह्मज्ञान ऐसा जल जल कर रहा है, वो इस दुनिया का काम कुछ नहीं करेगा, वो हमेशा ब्रह्मज्ञान में लीन रहेगा, इसलिए इसके सिर इसके बदन के ऊपर एक पर्दा डाल दो, ताकि वो थोड़ा समझने लगे मैं दुनिया में हूँ, मेरा भी एक शरीर है, वहीं दुनिया के मानवता के साथ में मुझे कुछ करना है, ऐसा ज्ञान हो। ऐसे हमेशा गुरु लोग कहते हैं इसके माया के पर्दा को हटा दो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। श्री राम कहते हैं इसको माया का पर्दा लगाओ इसके ऊपर, नहीं तो इतना प्रखर ये दुनिया में रहेगा ही नहीं, ऐसे वहाँ योगी। तो वो दोनों पास पास में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तब स्वामी जी को ऐसा लगा,
नरेंद्र नाथ को ऐसा लगा चलो हमारे अंदर कोई ऐसा बोध हो रहा है, अनंत शक्ति का संचार हो रहा है, तो इसको मैं दूसरों के बीच में भी संचार करा सकता हूँ, अब एक बार मैं इसका उपयोग करके देखूँ। तब काली से कहता है ए काली तुम हमको छुओ तो हम तुमको छुएंगे, क्या होता है बताओ। तो स्वामी जी ने उसको छुआ नरेंद्र, और काली प्रसाद कहता है अरे विद्युत प्रवाह के जैसे, इलेक्ट्रिक करंट से जैसे कुछ शक्ति तुम्हारे अंदर मेरे अंदर आता है, मेरा सारा शरीर कांपता है, मैं जितना प्रयत्न करने पर भी मैं अपने को रोक नहीं सकता हूँ। तब कहा हाँ यही तो मैंने भी सोचा था, ऐसा ही आध्यात्मिक शक्ति दूसरों पे संचार किया जा सकता है। ऐसा संचार कर दिया, नरेंद्र तो हमेशा अद्वैत के धाम से आए हुए हैं, श्री रामकृष्ण कहते थे नरेंद्र अद्वैत के धाम से आया है, उसका बराबर कोई अद्वैत ज्ञानी नहीं है, तो उसके लिए श्री रामकृष्ण बहुत से उदाहरण भी देते हैं। तो ऐसा एक अद्वैत सिद्ध तो अपने अद्वैत वेदांत को उसके अंदर प्रचार कर दिया। तो फिर काली अभी साधक के रूप में है तो श्री रामकृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा। जब श्री रामकृष्ण को मालूम हुआ कि ऐसे नरेंद्र ने शक्ति संचार किया है उसके अंदर, उसके मन को अद्वैत के रूप में बदला दिया। तो इसी के बारे में शांतात्मा जी ने कहा उनका वेदांत अभी हजम होने के लिए समय नहीं आया था, इसके बीच में वो अद्वैत को उसके अंदर संचार करा दिया, इसलिए कभी कभी भूल भूल करते थे वो। तो जैसे उन्होंने कहा मछली पकड़ने लगे एक दिन, और अरे ऐसे मछली पकड़ने से मछली को कट होता है तो ऐसा नहीं करना, साधक लोग ऐसा तो मछली को किसी प्राणी को कट नहीं देना चाहिए। अरे क्या रखा हुआ है, जीव तो अलग है शरीर अलग है, ये तो मैं तो मछली बने शरीर को तो मैं कट दे रहा हूँ, इसमें से आत्मा को कुछ नहीं होता है कुछ, ये तो कोई भूल की बात नहीं है, ऐसा अद्वैत बोलने लगा। तो इसलिए क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुआ था, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को कहा अरे अभी तो तैयार हो रहा था अपने ही रास्ते से आके, वो भी अद्वैत में पहुँचता था, इसके बीच में तुम जाके। तो ऐसा उसके अंदर संचार करा दिया कभी फिर एक बार ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा भी और भी आहरण करो, अभी तो थोड़ा सा शक्ति आई है तुम्हारे अंदर, और भी ज़्यादा शक्ति संचय करो, तब ठीक समय आएगा तब तुमको ये शक्ति संचार करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं जब स्वामी विवेकानंद आगे बढ़ के जाते हैं आखिर में श्री रामकृष्ण देव अपनी सारी शक्ति को उसके अंदर प्रवेश करा देते हैं, तब तो स्वामी विवेकानंद विश्व विजयी हो जाते हैं। वे जब बोलते थे सारे सभा में जितने बैठे हैं सभी के अंदर वो शक्ति संचार करते थे, उनकी बातें जब कानों में जाती थी सिर्फ कानों में जाके हमारे सिर में नहीं जाता था, कानों में जाके हमें हृदय के अंदर जाता था, मनुष्य का जीवन बदल जाता था, ऐसी शक्ति थी उनको स्वामी विवेकानंद जी के। इसलिए लोग कहते हैं विवेकानंद जी का भाषण ऐसे दूसरे भाषण के जैसे नहीं है, वो शब्द के बीच में शक्ति को संचार कराते थे, सारे हजार लोगों को जैसे ही सुना उसका जीवन बदल गया, ऐसे महान बन जाते हैं। वो एक घटना घटती है वो 1886 शिवरात्रि के दिन, और उसके बाद एक दिन सुनते हैं काली प्रसाद एक विजय कृष्ण गोस्वामी श्री रामकृष्ण के भगत, उन्होंने एक योगी के बारे में कहा, एक गया में एक योगी है बहुत बड़ा योगी है, अगर तुम वहाँ से जाने से तुमको योग का पाठ मिल सकता है, योग सीख सकते हो। बिल्कुल दूसरे दिन ही ये काली प्रसाद दौड़ गया, दौड़ के वो योगी के पास चला गया वो गया में, तो गया में जाके देखता है तो वो योगी एक वहाँ योगी है, साधारण योगी है, शायद कुछ योगासन जानता है, थोड़ा कुछ ध्यान भजन जानता है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, फिर उसके कई शिष्य हैं, तो उनके बीच में ये जाके उनसे पूछा आप हमको योग सिखाइए। उसको बड़ा आनंद हो गया, ऐसा अच्छा शिष्य मिल गया हमें, तो हाँ यहाँ रहो यहीं रहो कुछ दिन उसके बाद तुम्हें सिखाएंगे, तो उसको रख लिया। वो दो तीन दिन देखने के बाद अभेदानंद जी को बड़ी निराशा हुई, अरे ये निकम्मा है इसको कुछ मालूम ही नहीं है, मैं भगवान श्री राम कृष्ण के पास से किसके पास आऊँ यहाँ रहूँ, नहीं तो वापस चला जाऊँगा। जब वापस जाने की बात करता है तब तो शिष्यों को सब बोल दिया है इसको वापस जाने मत देना, वो कोई उसको वो गुफा से निकलने ही नहीं देते, तो उसको बंदी करके रख दिया। तब तो उसने सोचने लगा अरे कैसे फंदे में पड़ गए वहाँ के,
तो यहाँ से कैसे मुक्त हो जाएं। तब एक दिन सवेरे सवेरे वो पानी नहीं था पीने का पानी, तब उसने कहा हाँ हमारे पास कलसी दो, हम पानी पानी ला के रख देंगे। तो कलसी लेके तो नदी के पास गए, नदी के पास में किनारे कलसी को फेंक के नदी पार करके इस तरफ भागी, वापस नहीं आए। और आके श्री राम कृष्ण देव को और दूसरे गुरु भाइयों से कहा अरे हमने ऐसा योगी को देखने को गया, कुछ भी निकम्मा है, फिर उसको कुछ चेला भी है, हमको बंदी करके रख दिया था। तो उसके इसी निराशा का एक अनुभव हुआ, और ये भी अनुभव हुआ श्री राम कृष्ण की जगह में सब कुछ है पूर्ण रूप से, जहाँ जहाँ थोड़ा कुछ मिलता है यहाँ पूर्ण रूप से मिलता है, यही हमको सीखना चाहिए। ये वही रहने लगा। उसके बाद श्री राम कृष्ण की महासमाधि हो जाती है, वे संन्यास ले लेते हैं, वो आखिरी तक उनका नाम हो जाता है स्वामी अभेदानंद। वो उसके बाद श्री राम कृष्ण के बाद वे तीर्थ यात्रा जाते हैं, होली मंदिर से वृंदावन में कुछ समय बिताते हैं, और उसके बाद बहुत से उनका अनुभव होता है इंडिया में। इंडिया में अनुभव होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी उसको बुलाते हैं, तुम पश्चिम में आओ, पश्चिम में वेदांत के प्रचार के लिए तुम्हारे जैसे एक आदमी की आवश्यकता है। तो 1899 के आगे वो इंग्लैंड में जाते हैं, इंग्लैंड में एक साल तक रहते हैं, और उसके बाद अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में लोग बहुत लट्टू हो जाते हैं इनको देखकर, क्योंकि इनका रूप ऐसा अच्छा था और उनकी इलोक्वेंस, उनका वाद सरणी, बात बोलने की शक्ति तो बहुत सुंदर था, इसलिए बड़े आकृष्ट हुए। तो वहाँ कई कुछ साल रहे, और कुछ अंग्रेजों, कुछ यूरोपियनों को उन्होंने ब्रह्मचर्य दीक्षा भी दी। उनमें से एक थे गुरुदास, वो अंग्रेजी, वो यूरोपियन था, फिर अमेरिका में सेटल कर गया था, उसको भी उन्होंने ब्रह्मचर्य दिया। वो आखिर में इंडिया में आ गए, वो अपना गुरुदास नाम से वो अतुलानंद जी हो गए। तो बहुत अच्छे स्वामी थे, हमने उनको देखा है, वो स्वामी विवेकानंद जी का भी तो दर्शन हुआ था उनका। और 1906 में करीब करीब 10 साल के बाद इंडिया में आए अभेदानंद स्वामी, आके सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद वापस फिर गए, एक साल के बाद जाके फिर भी वहाँ प्रचार करने लगे। करीब करीब 20 साल उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, उनके लेक्चर्स बहुत पॉपुलर हो गए, खास करके उनका लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, मनुष्य साधारण शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो आत्मा है, वो शरीर चले जाने पर भी वो अमर होकर रहता है, आत्मा अमर है, इसी विषय को लेके उनका लेक्चर बहुत पॉपुलर हो गया। तो उसका बार बार प्रिंट करने लगे, और वो बहुत से मशहूर लेक्चरर बन गए वहाँ, सब जगह उनको बुलाया जाता था। और उसके बाद इंडिया में लोग महसूस करने लगे, बहुत साल ये बाहर रह गए, हिंदुस्तान में हमें उनको चाहते हैं। फिर शारदा देवी से एक चिट्ठी लिखाई गई उनको वापस आने को कहते हुए, तो श्री श्री माँ ने उसको एक चिट्ठी लिखी, ए तुम चले आ जाओ इंडिया में, बहुत साल बाहर में रह गए। फिर वो वापस आ गए 1921 में। वो आने के बाद कलकत्ते में आए, और 1922 में एक साल के बाद ही स्वामी ब्रह्मानंद जी का देहांत हो गया, महासमाधि में वो लीन हो गए। तब दूसरे प्रेसिडेंट स्वामी शिवानंद जी बने, और स्वामी अभेदानंद जी ने कहा देखो ये बेलूर मठ तो इतना दूर है कलकत्ते से, अभी भी वो दूर में ही है, फिर तब तो कोई जानते ही नहीं थे ये बेलूर मठ ऐसा एक ग्राम है, तो इसलिए यहाँ कोई नौजवान नहीं आ सकता, कलकत्ते के लोग इतने व्यस्त हैं, वहाँ से आने जाने में 6 घंटा लग जाएगा, तो इसमें कौन आएगा यहाँ, तो मैं नौजवानों के बीच में काम करना चाहता हूँ, इस वेदांत को नौजवानों के बीच में प्रसार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कलकत्ते में ही एक सेंटर करूँगा। तब शिवानंद जी ने कहा हमारे मठ के प्रेसिडेंट, हाँ करो ज़रूर, तो वहाँ भी तो प्रचार हो, तो उन्होंने कलकत्ते में ही एक आश्रम स्थापन किया, उसके बाद उसके ब्रांच के रूप में और 2-3 सेंटर करे। और उस समय में एक दो घटना कह के ही
मैं समाप्त करूँगा ये भाषण। वो कलकत्ते में रह रहे हैं, वो प्रसिद्ध प्रचारक हैं, वे हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ जानना चाहिए तो बड़े बड़े पंडित लोग भी उनके पास आते थे, सर राधा कृष्णन भी उनके पास जाते थे। राधा कृष्णन उनके बड़े लट्टू थे, बार बार उनके पास साथ मिलते थे। अभेदानंद जी भी राधा कृष्णन जी को पसंद करते थे। तो ऐसे बड़े फिलोसोफर थे और प्रचारक थे। तो ये स्वामी अभेदानंद जी को एक बार दक्षिण से एक स्वामी जी गए, हम उस स्वामी जी को देखा है, वे स्वामी विज्ञानंद जी के शिष्य थे। वो दक्षिण से वो बेलूर मठ गए, कहने के जाने के बाद उन्होंने कहा अभेदानंद जी कहाँ हैं, बेलूर मठ में नहीं है। उन्होंने कहा अभेदानंद जी यहाँ कहाँ हैं, कलकत्ते में है उनका आश्रम, तब मैं उनसे मिलना चाहिए, मैं जाऊँगा। वो अकेले चले गए, ये दक्षिण के स्वामी जी, स्वामी अंतरात्मानंद उनका नाम। ये दिल्ली आश्रम में बहुत बार भी आए हुए थे, 1956-57 में हम जहाँ ब्रह्मचारी थे तब वो दक्षिण से आते थे, यहाँ के कुछ गवर्नमेंट के साथ काम करके चले जाते। वो बड़े रसिक थे, हमेशा जब बोलते थे हंसते हंसते बोलते थे, हंसाते थे लोगों को, तो ये उनका स्वभाव भी ऐसा था। और वो जब उनका गुरु का दर्शन हुआ उनको, स्वामी विज्ञानंद जी के साथ जब विज्ञानंद जी दक्षिण में गए थे, वो ब्रह्मचारी थे, जैसे ही उनको विज्ञानंद जी को देखते हैं, ये ब्रह्मचारी उनको देख के हंसा जी, हंसने ब्रह्मचारी को देख के तो विज्ञानंद जी इतने खुश हुए, खत्म हंसते रे विष्णु हो सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसा बताया वो भागवत में। तो खत्म हंसते रे विष्णु, ये विष्णु कैसा हंस रहे हो तुम, सारे जगत ही विष्णुमय है, ऐसा वो भागवत के श्लोक को विज्ञानंद जी ने कहा। ये ब्रह्मचारी ने यही मंत्र उपदेश ऐसे उसी को जप करने लगे। तो ऐसे महापुरुष थे ये। तो ये कलकत्ते गए हैं, वे जानना वो देखना चाहते हैं अभेदानंद जी को, सीधे चले गए, जाके देखते हैं। अभेदानंद जी के आश्रम में तो वो अकेले थे और शायद एक दो उनके असिस्टेंट रहे होंगे, वो कहीं दूसरे व्यस्त थे, कोई उनको दिखाने वाले भी नहीं है। तो सारा आश्रम खुला हुआ है, ये वहाँ का इस कमरे में जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं, इस कमरे में जाते हैं, सभी जगह ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं। फिर एक कमरे में गए, वहाँ कमरा खुला हुआ है, सिर्फ पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे को हटा के अंदर घुस गए। जैसे अंदर घुसे तब स्वामी अभेदानंद जी अंदर खड़े। वो बाहर से कहीं लेक्चर देने को गए थे, पूरा पोशाक पहन के, वो पगड़ी टगड़ी पहन के लेक्चर देने को गए थे, और कमरे के अंदर आते ही 12 बजे के बाद, तो 12:30 होगा, तो बड़े गर्मी से तो बेचारे त्रस्त हैं, इसलिए वो सब पूरा कपड़ा उतार के नए कपड़ा पहनेंगे। ऐसे निर्वाण रूप में ये अंदर घुस गए, सीधा जाके खड़े हैं ये ब्रह्मचारी। तो उनको बड़ा अजीब लगा, है ये लड़का तो कोई अनाउंस भी नहीं किया, फिर अंदर घुस गया, ये तेरा कोई एटिकेट नहीं है, तेरा कोई सभ्यता नहीं है, ऐसा उन्होंने पूछा थोड़ा गुस्से में। तब ये ब्रह्मचारी ऐसे रह गए, चुप करके कोई उत्तर नहीं दिया। 2-3 मिनट के बाद ये ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा, और इसके बीच में वो कपड़े पहनने लगे और उससे, महाराज मैं एक बात पूछूं आपसे, ये तो बड़े रसिक थे, तो तभी वो गुस्से में नहीं आए और शांत रूप से पूछते, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो अभेदानंद ने पूछो क्या पूछना है। तो हमने सुना है श्री राम देव आप सब लोगों के सामने ऐसे निर्वाण रूप से बहुत बार खड़े रहते थे, कभी गुस्से में नहीं आते थे, तो आप क्यों ऐसा गुस्सा करते हैं, हमने क्या भूल की? जैसे ही श्री राम का नाम सुना, ठीक बोलते हो, बस हंसने लगे। तो वो हमें उन्होंने खुद हमें बोला ये घटना, ये महापुरुष लोगों का स्वभाव, श्री राम कृष्ण का नाम ऐसा मंत्र था, और नाम सुनने से उनका पूरा स्वभाव बदल जाता था। ऐसे गुस्से में रहने वाले तब भी हंसने लगे अभेदानंद जी, उन्होंने ये घटना बताई। और एक घटना बताई, ये अभेदानंद जी कितने बड़े गुरु थे, वेदांत के गुरु, तो स्वामी निरामयानंद वो स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य थे, उनके सेक्रेटरी थे। तो ये बड़े स्वामी जी के साथ में कई साल बिताए, वो मुझे बहुत अखंडानंद जी के बारे में बताया। उन्होंने ये अभेदानंद जी के साथ में भी उनकी एक घटना हुई थी, वो घटना ऐसी है। तो वो एक बार अभेदानंद जी के पास गए,
कोई यंग सन्यासी है, तो अभेदानंद जी से पूछा, तो महाराज हम कठोपनिषद में पढ़ते हैं तो ये आत्मा एक है, ये अमर है, शरीर मन चले जाने पर भी ये आत्मा अमर रहता है, तो ये सच है, सचमुच ही आत्मा है, ऐसा पूछने लगे। तो अभेदानंद जी ने पूछा, मैं अगर कहूँ सच, ये आत्मा सच है, कहूँ तुम विश्वास करोगे, ऐसा पूछा, उल्टा प्रश्न इन्होंने पूछा, ये आत्मा ऐसा अमर आत्मा है जो शरीर मन के भिन्न आत्मा है, उसका उन्होंने उल्टा प्रश्न कर दिया, अगर मैं कहूँ ये आत्मा है तुम विश्वास करोगे, तो उन्होंने कहा जरूर महाराज, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप जब कहते हैं मेरा विश्वास हो जाएगा। तब अभेदानंद जी ने कहा हाँ आत्मा है, यही उपनिषद की प्रथा है, उपनिषद में यही कहता है, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनियानि अतर्क्यम अनुप्रमाणात्। उपनिषद कहता है जितना तर्क से समझाओ यह आत्मा है, शरीर भिन्न आत्मा, कभी विश्वास नहीं हो सकता। अनन्य प्रोक्ते, जिसका अनुभव हो गया है कि मैं भगवान ब्रह्म के साथ मैं एक हूँ, ऐसा जो अद्वैत का अनुभव जो किया है अनन्य, वैसा आदमी अगर बोले गतिरत्र नास्ति, कोई संशय नहीं रहेगा, ऐसा आदमी जब बोलेगा है आत्मा, आपका विश्वास हो जाएगा। विश्वास का कारण दूसरों ने जो देखा है, तो वो कहेगा मैंने देखा है आत्मा है, उसकी बात सुनने से ही विश्वास हो जाएगा। निराम भंजन ने कहा मुझे उस दिन मैंने उनसे जो सुना आत्मा है, इतना बड़ा विश्वास हो गया, उसके बाद वो एक एक्सीडेंट में पड़ गए, जब गंगा पार करते हुए काकद्वीप, वो गंगा सागर में, वो सागर के जैसे है वहाँ गंगा, बीच में उनका नौका डूब गई, नौका डूब जाने के बाद सभी लोग इतर तितर बितर गए, तो ये भी एक छोटे से लकड़ी को पकड़ के किसी तरह झूल रहे हैं, वो स्विमिंग नहीं जानते, ऐसी अवस्था में डूबे मरे जा रहे हैं, तब वो कहते हैं तब भी मेरा कभी डर नहीं हुआ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा क्या डर है, ऐसा पकड़े हुए हूँ एक लकड़ी को, सीधे किसी तरह आके छोर में पहुँच गए और उसके बाद बच गए। उस समय मुझे याद आया महापुरुष का वाक्य, इतनी शक्ति है, अभेदानंद जी ने कहा था है आत्मा, उनका विश्वास हो गया। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं, ऐसा बोलते बोलते जानते बहुत कुछ है, तो ऐसे करते करते अभेदानंद जी का आखिरी दिनों में बहुत थोड़ा कुछ शरीर की अस्वस्थता हुई, फिर आखिरी तक वो प्रचार करते रहे, सभी लोगों से मिलते रहे, और 14 जनवरी को 1938 में जनवरी में हमारा बेलूर मठ का मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब दो ही प्रत्यक्ष शिष्य सन्यासी शिष्य मौजूद थे, एक हैं विज्ञानानंद जी और एक हैं अभेदानंद जी, ये दो ही रहे उस उद्घाटन के समय में, तब विज्ञानानंद जी उसका उद्घाटन किया, अभेदानंद जी उसको दर्शन किया, भगवान श्री रामकृष्ण जी की मूर्ति को वहाँ बेलूर मठ के मंदिर में स्थापना करते हुए उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद ही अपनी जगह चले गए। कुछ ही समय के बाद 1939 के सितंबर 8 तारीख को उनका सवेरे उनका महासमाधि लग गई, वो करीब करीब 70 साल से कुछ महीने कम थे, उस समय उनका शरीर चला गया। उनके बहुत कुछ आध्यात्मिक दर्शन तो हुए थे, हुए ही, और उसमें अजीब दर्शन भी कुछ हुए। एक बार वो अमेरिका जाने वाले थे, यूरोप में आए थे, यूरोप से उनको 1915 में तब प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया था, तब जर्मनी और यूरोपियन नेशन के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था, तब तो वे इंग्लैंड से लंदन से अमेरिका जाने वाले हैं, एक नौका एक जहाज में उनका टिकट बुक करने को जा रहे हैं, तो वे जाके बुक करने के लिए खड़े हैं, तब वो आवाज़ सुनते हैं तुम टिकट मत खरीदो। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है बोलने वाले, कौन बोलते मुझे, सिर्फ उस दिन वो उन्होंने खरीदा नहीं, दूसरे दिन गए तो फिर खरीदने को गए अमेरिका जाने वाले वो लुथियाना वो एक जहाज में, फिर टिकट खरीदने को, उस दिन में भी
टिकट मत खरीदो, टिकट मत खरीदो। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भी वो वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तब उनको खबर मिला कि वही लुथियाना पिछले दिन छोड़ के वो जा रहा था, जर्मन लोगों ने उसको उड़ा दिया सबमरीन से। 1,198 लोग मर गए उसमें। उसमें से वो प्रभु ने उनको बचा दिया। तो इसको बोलते बोलते कहते थे, प्रभु हमको कैसा हाथ पकड़ के चलाया। तो हम वेस्टर्न कंट्रीज में रहने के वक्त हमेशा श्री रामकृष्ण हमारे साथ रहते थे। ऐसे महापुरुष का जीवन का कुछ घटनाएं हम आज को संस्मरण किए, यह हमारा भाग्य है। और ऐसे ही संदर्भ हमें ज़्यादा मिले और ऐसे ही हम महापुरुषों का संस्मरण करें, इससे हमारा भी लाभ हो और हमारा जीवन भी धन्य हो। ऐसा भगवान के पास प्रार्थना करते हुए मुझे ये अवकाश देने के लिए शांतात्मा जी को मेरा कृतज्ञता प्रकट करते हुए मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय राम कृष्ण।